वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मेमोरियल स्कूल के इस चैनल पे हम इसमें जानेंगे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद से आपको जो भी वीडियो होंगे उसका वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप क्लास वाइज इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास वाइज के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह से क्लास सेवन्थ के मैथ और इंग्लिश ग्रामर सिक्स सेवन्थ एट जो कि एक ही में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से फर्स्ट टू एट से कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आपका सिक्स का मैथ है, फिफ्थ का मैथ है और जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे इस प्लेलिस्ट के माध्यम से उस क्लास के उसमें सभी आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद से हम जानते हैं यहाँ पे अबाउट के बारे में। तो अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट पीपल एंड यूट्यूबर वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश साइंस कंप्यूटर आदि सभी कोर्स को ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। इसमें आपको डेली 9 AM जो सुबह में 9 बजे आपको जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद से यहाँ पे जो बेल जैसा आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिसेल पार्टी भट्ट। आप बेल मेमोरियल स्कूल में जो बुक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए ईवीएस के लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो बुक ये है। इसमें आपके जो जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं इंडेक्स में, आप देख सकते हैं ये कॉन्टेंट्स हैं इसमें। इससे पहला चैप्टर है आपका ये थर्ड और फोर्थ में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसके विषय में हम आज आपको बताएंगे। क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए दोनों में एक ही है ये पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग आप जानते हैं जिस चीजों में जान होती है अर्थात जो चीजें जीवित हैं, और नॉन लिविंग जो जिसमें जान नहीं होता है या उन्हें हम मृत प्राय कहते हैं वो चीजें आती हैं। वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, घर है, किताब है, चेयर है, टेबल है, मेज है, सब कुछ चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। इसमें कुछ चीजें तो लिविंग में आती हैं और कुछ नॉन लिविंग में आती हैं। अब जो लिविंग है तो लिविंग जो होती हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उनके गुण होते हैं जिसे हम जानते हैं कि ये लिविंग है। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुण हैं, उनके बारे में आप जान लें कि हाउ डू यू नो विच इज लिविंग थिंग्स विच इज नॉन लिविंग थिंग्स। पहला कि जो लिविंग थिंग्स होगा वो सांस लेगा, जो जो पहली पहचान है वो हर लिविंग थिंग्स को सांस लेती है और वो लिविंग थिंग्स चल सकती है और अपने आकार को बदल सकती है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई उम्र नहीं होती, जबकि लिविंग थिंग्स की एक निश्चित अवधि होती है कि ये इतने दिन बाद ये या तो डेड हो जाएगा या ये खराब हो जाएगा, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स की एज कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में हमारे जो आते हैं जैसे जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, और ये सभी चीजें हमारी लिविंग में आती हैं। और जो नॉन लिविंग है जैसे रोड है, सन है, मून है, और बुक है, और इस तरह से ये हाउस है, मकान है, ये सभी नॉन लिविंग में आते हैं। अब इसकी जो नॉन लिविंग होता है इसकी फिर दो कैटेगरीज होती हैं। पहला तो वन इज मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा नॉन लिविंग बनाया जाता है। सेकेंड इज द नेचुरल, प्राकृतिक जो चीजें हैं जैसे सूर्य,
चंद्रमा, नदियां, पहाड़, ये सब प्राकृतिक में है। मैन मेड में जो आते हैं नॉन लिविंग में, सड़क है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, कंप्यूटर है, ये सभी नॉन लिविंग होते हुए भी ये मैन मेड में आते हैं। मैन मेड ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन दोनों में कुछ चीजों में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, जो जैसे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में एक निश्चित आकृति और आकार होता है। और सिमिलैरिटीज में इसमें ये सभी किसी न किसी धातु से या मिनरल से, किसी किसी मिनरल से ही बने होते हैं। थर्ड जो सिमिलैरिटी होती है इसमें, इनका जो जगह ये घेरते हैं और जो जगह घेरते हैं उनका जो वजन होता है, ये भी लगभग सिमिलैरिटी में पाया जाता है। और इनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, वो डिफरेंसेस होते हैं जैसे इनके इनके स्पेशल कुछ विशेष आकृतियां होती हैं नॉन लिविंग के, नॉन लिविंग में पाई जाती हैं। लिविंग थिंग्स जैसा कि आपको बताया, ये चल सकती हैं, जैसे जानवर कोई हुए, मनुष्य हुए, कीड़े पकड़े हुए, तितली हुई, कोई कीड़े इंसेक्ट्स हुए, तो ये सभी कुछ चीजें चल सकती हैं, उड़ सकती हैं, तो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती हैं। इन सबका भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स और ट्रीज भी आते हैं, आप जानते हैं ये मूव नहीं करते, लेकिन इनके कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। जैसे आप सनफ्लावर को देखें तो सूर्य के दिशा में ये अपने मुंह को बदलता रहता है, अपने फेस को ये चेंज करता रहता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये चेंज करता रहता है, वो भी मूव करता है। जो हमारे ट्रीज और हैं उनके देखेंगे, अगर पूरा ट्री नहीं तो उनके कुछ पार्ट्स जैसे पत्ते हैं, डालियां हैं, ये हिलती हैं हवाओं के माध्यम से, इसलिए ये भी मूव करते हैं और ये लिविंग में आते हैं और ये सांस भी लेते हैं। नाउ इन सभी चीजों को, चाहे लिविंग हो, लिविंग थिंग्स में जितनी भी हैं, इन सबको भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग में हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो दे कैन रिप्रोड्यूस, वो एक अन्य अपने ही तरह का दूसरा जन्म दे सकते हैं। यदि हम छोटा पौधा लगाते हैं वो फिर बड़ा होता है और पेड़ का रूप ले लेता है, एक छोटा बच्चा है बड़ा होता है, फिर वो लड़का बनता है, फिर वो मनुष्य पूरा बन जाता है, एडल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो मुर्गी का बच्चा है वो बड़ा होकर के पूरा वो मुर्गी बन जाता है। तो इस तरह से हम ये अपने आकार को समय के साथ साथ जो लिविंग है वो बदलते रहते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग है, जैसे सड़क है, जैसा बनाया गया वो उसी तरह होगा, कंप्यूटर है वैसे ही होगा, वो बढ़ेगा न घटेगा। और जो जितने भी ये सूर्य है, चंद्रमा है, जितने भी ये नॉन लिविंग है, ये अपने आकार को बढ़ाते नहीं है न घटाते हैं, ये वैसे ही बने रहते हैं, ये नेचुरल में आते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते हैं, नॉन लिविंग कभी नहीं मरते। जैसे कोई भी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक निश्चित अवधि के बाद वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स वो मरते नहीं है। और जो डिफरेंसेस है इसमें कि लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं और नॉन लिविंग सांस नहीं लेते हैं, दीज आर द मेन डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। नाउ सम होमवर्क इज गिवेन इन योर बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, नोट डाउन द फिल द ब्लैंक्स and write appropriate word. The first fill in the blanks. First, plants and animals are आपको यहां फिल करना है थिंग्स। सेकेंड, ए रॉक इज ए
थिंग्स। थर्ड, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर फोर्थ प्लांट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियली। आपको हेल्प बॉक्स में हम पांच वर्ड दे रहे हैं, इसमें आप पांच वर्ड इसमें भरेंगे। ये पांचों वर्ड्स आपके फर्स्ट में हम दे रहे हैं आपको गिल्स, सेकेंड में दे रहे हैं हम आपको, ये फर्स्ट सेकेंड नहीं, आपको पूरे ये वर्ड दिए जा रहे हैं, गिल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, लिविंग, मेड, ये फाइव वर्ड्स आपको दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में, इन्हीं पांच में से आपको इसमें से भरना है, और यही आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, और इसको आप लोग फिर से बुक्स लेकर के और एक बार पढ़ करके और इसके होमवर्क को पूरा करेंगे। थैंक यू।